y este gobierno no hace nada, porque se arrodilla ante los Estados Unidos de América. साथियों, आज इससे पहले के वीडियो में आपके कमेंट्स ने हमारे हौसले को और बढ़ाया है, मजबूत किया है। आपके इस मोहब्बत के लिए हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे। कुछ साथियों ने सवाल किए, कुछ हमसे सहमत नहीं थे, उनका भी शुक्रिया, क्योंकि उनके जवाब देने के लिए हमारे इल्म में भी इजाफा हुआ है। और दो तीन लोग बदतमीज भी थे, उनके लिए एक मैसेज। हजरत अली रजी अल्लाहु अनहु ने कहा था, आपकी जुबान आपके खानदान का तारुफ कराती है। जब हमें पता चल ही गया तो हम इनके पीछे काय को अपून का टाइम खोटी करेंगे। SD24 को फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए जनाब मोहम्मद वसी खान, मोहम्मद तारिक खान साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया, और उनका भी जिन्होंने छोटे बड़े अमाउंट से सपोर्ट किया। रफा पर इसराइल की बमबारी के बाद स्पेन सोशल राइट्स मिनिस्टर इयोन बेलरा ने संसद में कहा कि मुझे अमेरिका के सामने झुकने वाली अपनी सरकार के हालात पर शर्म आ रही है। फिलिस्तीन के रफा में मासूमों का कत्लेआम हो रहा है और हमारी सरकार खामोश है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने नेतन्याहू के जरिए रफा में शुरू किए गए नरसंहार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए अपने ही देश के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। साथियों, SD24 के इंटेलेक्चुअल ऑडियंस, इसराइल की बमबारी में जर्जर हुई इमारत में इसराइली फौज IDF के 603 रिजर्व बटालियन के कमांडर, डिप्टी कंपनी कमांडर और बटालियन के एक सैनिक फिलिस्तीनी मुजाहिदों के डर से छिपकर बैठे थे, लेकिन अल कसम ब्रिगेड के नजरों से बच नहीं पाए और फिलिस्तीनी फ्रीडम फाइटर्स ने इमारत पर बमबारी करके तीनों इबलिसों को जहन्नुम रवाना किया, जिसके बाद इसराइल में गम का माहौल है। खान यूनिस के ईस्ट में अब्बासन अल कबीरा इलाकों में पॉइंट ब्लैंक रेंज यानी बिल्कुल करीब से 7 सैनिकों वाली पैदल सेना बल के साथ झड़पों में 5 इबलीस के बच्चे ऑन द स्पॉट स्विच्ड ऑफ हो गए, तो दोनों ने अस्पताल से जहन्नुम के सफर की शुरुआत की। दुनिया भर के विरोध आलोचनाओं के बावजूद गजा बॉर्डर पर म्यूजिक लगाकर गजा आ रही इमदाद यानी ह्यूमैनिटेरियन एड के ट्रकों को रोका जा रहा है। एक बार फिर दुनिया को पता चल गया है कि धरती की सबसे घटिया कौम जायनी कौम है। इसराइल उस मुल्क पर हमला कर रहा है जो पूरी तरह से अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं है। इसराइल उस मुल्क पर मिसाइल दाग रहा है जिसके पास टैंक भी नहीं है। इसराइल उस मुल्क पर हवाई हमला कर रहा है जिसके पास एक लड़ाकू जहाज भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इसराइल फिलिस्तीन पर हमले करने के लिए अमेरिका ब्रिटेन के साथ 11 मुल्कों का सहारा भी ले रहा है। इसराइल उस मुल्क से युद्ध कर रहा है जिसकी कोई सेना नहीं। इसे युद्ध नहीं, नरसंहार कहा जाता है। युद्ध बराबरी या थोड़े बहुत कम ज्यादा फासले के साथ किया जाता है। निहत्ते पर वार करना, बच्चों पर वार करना, अस्पतालों को तबाह करना, हवाई हमले करना, इसे युद्ध नहीं खून चूसना कहते हैं। हमास के नाम पर गजा की जमीन कब्जाने के लिए इसराइल मासूमों का नरसंहार कर रहा है। हमास के सामने IDF सिपाहियों के पैंट में पेशाब निकल जाती है, इसलिए हमास से मुकाबला नहीं करता। हमास तो बस इस्तेमाल करने के लिए एक नाम है बस। इतनी बड़ी ताकतों से लड़ने के लिए हमास बार बार चैलेंज करता है, लेकिन कायर नेतन्याहू अमेरिका से बारूद खरीद कर फिलिस्तीनी आम लोगों पर बमबारी करता है। फिलिस्तीन में इस सदी का सबसे बड़ा नरसंहार चल रहा है और तथाकथित लिबरल इस नरसंहार को स्पॉन्सर कर रहा है। कितने हैरत की बात है कि आज भी किसी की सनक और वहशी ताकतों को काबू करने में दुनिया नाकाम रही। तो मिलते हैं एक और जबरदस्त जानकारी के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह। आप देख रहे हैं सोशल डेमोक्रेटिक न्यूज SD24।